इस PHP ट्यूटोरियल में हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स दो मानों, दो स्ट्रिंग्स या दो वेरिएबल्स जो इनमें से किसी को सम्मिलित करता हो उनकी तुलना कर सकते हैं तथा उस पर कार्य करेंगे। इसके लिए मैं if स्टेटमेंट का प्रयोग करने जा रहा हूं। चलिए if स्टेटमेंट संरचना का निर्माण करते हुए शुरू करते हैं। मेरी कंडीशन है यदि 1 double equal to 1 echo true और फिर else echo false। याद रखें मुझे इन कोष्ठकों की आवश्यकता नहीं है अतः मैं इन्हें हटाने जा रहा हूं। चलिए इसे जगह छोड़कर लिखते हैं। कभी जगह छोड़कर लिखने में संकोच नहीं करना चाहिए। यह पहला कंपैरिजन ऑपरेटर है। 2 equals to मतलब comparison operator। हम यह if statement में पहले देख चुके हैं। 1 equals to 1। अतः यह true echo करेगा। चलिए जांचें। हमें true मिला। चलिए मैं इसे बदलता हूँ। If 1 is greater than 1, तब देखते हैं हमें क्या उत्तर मिलता है। False। क्योंकि 1 1 के बराबर है, 1 से बड़ा नहीं। चलिए अब इसे बदलते हैं। 1 is greater than or equal to 1। If 1 is greater than or equal to 1, echo true, else echo false। यहां हमें true मिलना चाहिए। आप इसी तरह से less than or equal to के साथ भी कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप less than false होगा। Less than or equals to के लिए true होगा। हम not equals to भी कह सकते हैं। अतः if 1 is not equals to 1, echo true। Refresh करें, हमें यहाँ false मिलेगा, क्योंकि 1 1 के बराबर है। चलिए अब कहते हैं if 1 is not equal to 2, हमें true मिला, क्योंकि 1 2 के असमान है। यह बुनियादी comparison operators हैं, जिन्हें आप हमारे ट्यूटोरियल के लिए प्रयोग करेंगे। इस पर विस्तार करें, इनका अभ्यास करें और आप इनको बेहतर समझेंगे। आप इन ऑपरेटर्स का उपयोग करके वेरिएबल्स की भी तुलना कर सकते हैं। अतः उदाहरण के लिए num1 is equal to 1, num2 is equal to 2। अब हम क्या करें कि इन वैल्यूज को बदल दें, और हम करते हैं। यह बिल्कुल वही उत्तर प्रदर्शित करेगा जैसा कि हमें पहले मिला था, जो कि true है। अब हमें यह करना है कि इन वैल्यूज को बदलना है। कृपया ध्यान दें, अब ऐसे पढ़ेगा num1 is equal to 1, num2 is equal to 1। अतः यदि num1 1 के बराबर नहीं है तो यह गलत है, क्योंकि 1 1 के बराबर है, इसलिए हमें false मिलता है। यह सरल comparison operators हैं, इनका अभ्यास करें। यह स्क्रिप्ट मेरे द्वारा अनुवादित है तथा आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।